चलिए प्यारे छात्रों, हम लोग इतिहास की कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ मैं। और हमारा टॉपिक दिल्ली सल्तनत अभी जारी है। और दिल्ली सल्तनत में भी हमने पढ़ा अभी तक कि जो 1206 से दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ हुआ, पहले विधिवत रूप से 1229 में दिल्ली सल्तनत को इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन पहले जो प्रॉपर 1206 में स्वयं गुलाम बंद के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा लाहौर को अपनी राजधानी बनाया गया था और दिल्ली को धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया था। तो लेकिन हमने पढ़ा कि 1206 से लेकर के और 1290 तक का पहला गुलाम राजवंश हुआ। उसके बाद 1290 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक ये खिलजी राजवंश हुआ। और ठीक 1320 से लेकर के और 1414 ईस्वी तक का ये तुगलक राजवंश हुआ। अब हमने इस तुगलक राजवंश में सबसे पहले अध्ययन किया, जो पहला अध्ययन किया हमने तुगलक राजवंश में, उसमें गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। और अब हम लोग सीधा प्रवेश कर चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक राजवंश में फिरोज शाह तुगलक का, और 1551 से लेकर के और 1488 तक का इसका शासन काल रहा। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम यदि अध्ययन करें तो फिरोज शाह तुगलक भले ही एक शासक के रूप में या साम्राज्य विस्तार के रूप में उसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ना हो, लेकिन उसके बाद में प्रशासनिक कार्यों में, मुद्रा प्रसारण में, राजकीय कार्यों में उसका विशिष्ट योगदान रहा है। और उन विशिष्ट योगदानों में देखिएगा कि सबसे पहले तो हमें जान लें कि फिरोज शाह तुगलक जो रज्जब, ये गयासुद्दीन तुगलक का भाई था रज्जब, और उसका बेटा निकला हुआ फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सुल्तान बना, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, तो इस फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो पूर्व में दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के जमाने से ही के खराज, खोम्स, जजिया, जकात और उश्र, ये जो टैक्स ले जा रहे थे या विभिन्न प्रकार के धार्मिक और भू राजस्व कर, इसको उसने सख्ती से, बहुत ही स्ट्रिक्टली इस्लामिक कानूनों के आधार पर, इस्लामिक हदीस, कुरान, शरीयत, इनकी पैमाई, इनके आधार पर उसने अपने समय में विभिन्न प्रकार के भू राजस्व कर या राजस्व संग्रहण का बेहतरीन कार्य संचालन किया। अब लेकिन ये पहली बार जो जजिया कर लगता था वो गैर ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर तो लगता था, गैर मुसलमानों पर लगता था, लेकिन उसके बाद ही ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। तो जजिया नाम के कर को फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी आरोपित कर दिया गया। अब इसके अलावा इसने एक और बढ़िया बात तो किया कि दीवाने खैरात और दारुल सफा में शब्द है कि दीवाने खैरात और दारुल सफा। अब जो दीवाने खैरात है, दीवाने खैरात और दारुल सफा, ये दो विशेष डिपार्टमेंट, ये दो यूं कह सकते हैं हम लोग कि ये दीवाने खैरात तो केवल गरीब और असहायों के लिए, जो गरीब और असहाय जनता थी उसको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, कि गरीबों के उत्थान के लिए दीवाने खैरात। और जो दारुल सफा था कि दीवाने खैरात, ये दीवान, ये खैरात, ये गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को विभिन्न प्रकार के सरकारी सहायता उपलब्ध कराने हेतु या समाज के कल्याण हेतु दीवाने खैरात, और दारुल सफा ये रोजगार दफ्तर के रूप में है, रोजगार दफ्तर के रूप में
या यूं कह सकते हैं हम लोग कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के क्षेत्र में ये बड़ी, ये दो दो डिपार्टमेंट उसके महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट रहे। इसके अलावा कि मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में जो विभिन्न प्रकार का उसके द्वारा कृत किए गए थे, उसके द्वारा जो कार्य किए गए थे, या दिल्ली सल्तनत को, या दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को, या राजस्व व्यवस्था में जो कमी लाई गई थी या जो ढिलाई की शिथिलता की गई थी, उसे मोहम्मद बिन तुगलक, उसने फिरोज शाह तुगलक ने परिपूर्ण कर दिया। उसके बाद कि इसने सिंचाई नहरों के निर्माण के लिए, सिंचाई नहरों के निर्माण के लिए विशेष प्रबंध किया, सिंचाई नहरों का इसने जाल बिछाया, सिंचाई नहरों का विशेष प्रबंध किया। और दूसरी तरफ इसने हिसामुद्दीन नामक एक अपने दरबारी को या विजारत के सदस्य को, जिसने इसने राष्ट्रीय आय के आंकलन करने के लिए कि बोला पूरे दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली सल्तनत की जो संपूर्ण साम्राज्य है उसमें जितना रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, राजस्व संग्रहण हो रहा है, उस राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए इसने हिसामुद्दीन को अप दायित्व सौंप दिया कि वो राष्ट्रीय आय का आंकलन, यानी कुल मिलाकर के जो राष्ट्रीय आय का यदि पहली बार आंकलन हम लिखते हैं कि भाई 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने अंग्रेजों के जमाने में किया, वो ठीक है ब्रिटिश काल का, लेकिन उससे पहले यदि राष्ट्रीय आय की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, तो उसे फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में, जिसके लिए उसने हिसामुद्दीन नामक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा कि और इसके पास फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में कि जो फिरोज ने कर्मचारियों और सैनिकों को सीधा वेतन न दे करके उन्हें वेतन न दे करके बल्कि उन्हें जागीर प्रदान की जाती थी, उन्हें जागीर प्रदान करके उस कर्मचारियों को जो विभिन्न राजकीय कर्मचारी थे या सैनिक थे, उन्हें जो नकद वेतन देने की परंपरा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ कर ली थी, उसकी जगह पर पुनः जो इल्तुतमिस के ज़माने में, बलबन के ज़माने में उन्हें जागीरें प्रदान होते थे, वो जागीरें एकता, यानी एकता के रूप में जागीरें प्रदान करना, आवंटित भूखंड, है ना, उन्हें कर्मचारियों को वेतन के बदले में या सैनिकों को वेतन के बदले में, और तो वो इक्तदार की भूमिका भी निभाए। इसके अलावा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा चेहरा और दाग प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा और चेहरा प्रथा, इस प्रणाली को भी बंद कर दिया। जो चेहरा प्रथा या दाग प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में बहुत ही चर्चित हुई थी, उसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद बलबन ने, इससे फिरोज शाह तुगलक ने पूरी दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बगीचे, 1200 बागवान या 1200 बगीचों का निर्माण किया था, फलोद्यानों का निर्माण किया था। इसके अलावा कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अद्वा बिक और ससगनी नाम के सिक्के चलाए थे, यानी जो टंका और जीतल था इल्तुतमिश के ज़माने में, उससे भी आगे बढ़कर के अद्वा बिक और ससगनी नाम के सिक्कों का प्रचलन ये स्वयं फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में हुआ, फिरोज द्वारा। और अगली बात थी कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया था पुनः, कि जो कभी बलबन के ज़माने में या उससे पहले जिस ज़माने तुर्कान चहलगाम के सदस्य हुआ करते थे, उस समय में जो वंशानुगत सैन्य परंपरा थी वो पुनः फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी कर दी गई। और फिरोज ने कई प्रसिद्ध नगर जिनमें दिल्ली की में फिरोजाबाद के अतिरिक्त फतेहबाद, हिसार, फिरोजा, फिरोजपुर और जौनपुर जैसे नगरों की स्थापना की थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक द्वारा, यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा अन्य ऐतिहासिक इमारतों में उसने दिल्ली का जामा मस्जिद, कुतुब मीनार की पाँचवीं मंजिल उसने बनाई थी, और शमसी तालाब, इसके अलावा जहाँ पनाह और निजामुद्दीन औले की समाधि भी इस फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित की गई। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा ये दोनों अशोककालीन शिलालेखों को वह दिल्ली में ले गया और
फिरोसा कोटला मैदान में उस इन दोनों शिलालेखों को स्थापित कर दिया। तो फिरोसा तुगलक के ज़माने में पहले तो ये सवाल आता है बच्चों बार बार कि फिरोसा तुगलक द्वारा किन किन ऐतिहासिक इमारतों का को संरक्षण प्रदान किया गया या किन किन ऐतिहासिक इमारतों को बनाया गया। तो उसमें पहला ये हुआ कि दिल्ली में जामा मस्जिद, उसके अलावा कुतुब मीनार की पाँचवीं मंजिल है ना, उसको संरक्षण दिया या पाँचवीं मंजिल को भी बनाया। उसके अलावा शमसी तालाब और जहाँ पना और निजामुद्दीन औले की समाधि, इसको कुतुब मीनार फिरोजशाह तुगलक ने या तो संरक्षण प्रदान किया या इसको नए ढंग से बनाया था। उसके अलावा कि फिरोजशाह तुगलक का जो विशेष वो उल्लेख हुआ कि उसके ज़माने में मेरठ और टोपरा, जो मेरठ और टोपरा के दो अशोककालीन शिलालेख थे, उन दोनों शिलालेखों को वह दिल्ली फिरोजशाह कोटला मैदान में ले गया था। इसके अलावा कि फिरोजशाह तुगलक के ज़माने में मुख्य रूप से कि उसके ज़माने में बरनी नाम का इतिहासकार जिसके द्वारा तारीख़ फिरोजशाही बरनी नाम के इतिहासकार ने लिखा, तारीख़ फिरोजशाही। तो तारीख़ फिरोजशाही नामक साहित्य में बरनी नाम के इतिहासकार ने फिरोजशाह तुगलक के ज़माने में, चाहे वो सिंचाई के प्रबंधन के संबंध में, हिसामुद्दीन की राष्ट्रीय आय के संबंध में या उसके सैन्य प्रबंध के संबंध में, उसके फिरोजशाह कोटला मैदान के निर्माण के संबंध में, अद्वाबिक और सतगनी मुद्राओं के निर्माण के संबंध में, ये सारा डिटेल तारीख़ फिरोजशाही में किया गया। और फिरोजशाह तुगलक ने फतुहात फिरोजशाही नाम से ये प्रश्न आता है कि फतुहात ये फिरोज शाही, तो फतुहात फिरोजशाही ये स्वयं उसकी आत्मकथा है, यानी फिरोजशाह तुगलक द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी गई वो फतुहात ये फिरोजशाही के नाम से लिखी गई। उसके अलावा फिरोजशाह तुगलक ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त संस्कृत पुस्तकों का फारसी में दलायले फिरोजशाही। ये सवाल भी आता है बेटा कि दलायले फिरोजशाही क्या है, कि बोला कि जो ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल का वहाँ के पास संस्कृत विद्यालय, तो संस्कृत विद्यालय से प्राप्त अनेक संस्कृत पुस्तकों का जो फारसी में अनुवाद किया गया वो दलायले फिरोजशाही के नाम से किया गया था। उसके अलावा फिरोजशाह तुगलक के दासों के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान, प्रश्न आता है बेटा कि दीवान ये बंदगान, तो दीवान बंदगान का मतलब कि फिरोजशाह तुगलक द्वारा दासों के लिए जो विभाग डिपार्टमेंट बनाया था उसका नाम था दीवान बंदगान। उसके अलावा अब जब फिरोजशाह तुगलक के बाद इस राजवंश में या तुगलक राजवंश में अन्य सुल्तानों में मुख्य रूप से उसका पोता जो इस वंश का शासक बना, और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद नाम का इस तुगलक वंश में शासक हुआ। और जिस ज़माने में नासिरुद्दीन महमूद शासक था, उसी समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, यानी जिस ज़माने में नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान था, तो 1398 में ट्रांस आक्सियान इसका जागीरदार था तैमूर लंग। और इस तैमूर लंग द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और अकेला दिल्ली में 15 दिनों तक उसने लूटपाट मचाई थी। उसके बाद उसने फिरोजपुर, मेरठ और कांगड़ा तक भी आक्रमण किया था और लूटपाट मचाई थी, है ना। लेकिन उसके बाद इस तैमूर लंग का बेटा, उसका नाम था खिजर खां,
नहीं, तैमूर लंग ने अपने सेनापति खिजर खां को अपने जीते हुए क्षेत्रों में उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था। और इस खिजर खां द्वारा तैमूर लंग के बेटे शाहरुख इसे नियमित रूप से राजस्व या यहाँ से राजस्व वसूल करके उसे यानी तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को पहुँचाया जाता था, है ना। और बाद में यही खिजर खां बाद में जिसने भारत में इस तुगलक राजवंश के बाद सैयद राजवंश के नाम से इसी खिजर खान ने 1414 में प्रारंभ किया और 1421 तक यह खिजर खान सुल्तान रहा। लेकिन जब खिजर खान सुल्तान था तो खिजर खान एक तो हमने बात की ये तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को नियमित रूप से कर दिया करता था, और अगले में कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया बल्कि रैयत ए आला। अब दो सवाल आते हैं बच्चा कि दिल्ली सल्तनत के जितने शासक हुए उनमें से सुल्तान की उपाधि एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास नहीं थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण नहीं किया, और दूसरे में स्वयं खिजर खां ने, कि जो खिजर खां तैमूर लंग ने जितने क्षेत्रों में आक्रमण किया था उनका उत्तराधिकारी के रूप में या उनको जो आधिपत्य दिया था वो खिजर खां को दिया था, और बाद में इसे खिजर खां ने तुगलक राजवंश के बाद सैयद राजवंश की स्थापना की, नियमित रूप से तैमूर लंग के बेटे को यहाँ से राजस्व भेजता था, और इसी खिजर खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अब दूसरी बड़ी बात है कि उसने पंजाब मुल्तान और सिंध को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये प्रश्न आता है कि किस सुल्तान द्वारा सिंध पंजाब और मुल्तान को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया गया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये पूरा सैयद एक ऐसा वंश रहा, सैयद वंश जो शिया मुसलमान यानी पूरे शिया मुसलमान, बाकी सभी सुन्नी ग्रुप में थे, तो शिया मुसलमान ग्रुप से पूरी सल्तनत में राज करने वाला पहला राजवंश वो सैयद राजवंश था। उसके बाद 1421 में मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, और यह मुबारक शाह की जिसने पहली बार शाह उपाधि धारण की थी, मुबारक शाह ने स्वतंत्र रूप से अपना आपका अपने खुतवा पढ़वाया था, और यमुना के किनारे मुबारकाबाद, बड़ी बात है कि इसने अपने नाम के खुतवा जारी किए, एक दूसरे में शाह उपाधि धारण किया, और तीसरे में मुबारकाबाद यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। और उसके बाद उसने हाँ उसके ज़माने में यहा अहमद सरहिंदी नाम का प्रसिद्ध साहित्यकार था जिसने तारीख मुबारक शाही कि उसने जो उसकी पुस्तक है तारीखे मुबारक शाही तारीख मुबारक शाही जो पुस्तक लिखी गई वो याहा अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई थी, और ये मुबारक शाह के दरबार में याहा अहमद सरहिंदी था, जबकि फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में बरनी नाम का इतिहासकार जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। ठीक हो गया। अब इसके अलावा इस राजवंश में यानी 1434 ईस्वी में मुबारक साहब की जब मृत्यु हो गई 1434 में, उसके बाद आलम शाह सैयद राजवंश का सुल्तान बनता है, और उसके बाद 1451 ईस्वी में 1451 पहले उसने क्या किया कि बहलोल लोदी को आलम शाह द्वारा बहलोल लोदी को उपाधि खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी, खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी किसके द्वारा कि इस मुबारक आलम शाह द्वारा अपने सेनापति बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। और उसके बाद 1451 ईस्वी में इसी बहलोल लोदी द्वारा आलम शाह को अपदस्थ करके
इस दिल्ली सल्तनत में लोदी सैयद वंश का समापन करके और सीधे लोदी राजवंश। चलिएगा, लोदी राजवंश उसको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कि बहलो लोदी जो 1451 से लेकर के मेरा 1488 से लेकर के और 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी सुल्तान के रूप में रहा और 1517 से लेकर के और 1526 तक इब्राहिम लोदी सुल्तान के रूप में रहा। अब जैसे ही बहलो लोदी सुल्तान बना तो बहलो लोदी दिल्ली सल्तनत में, अब सबसे पहली बात तो ये जो बहलो लोदी था ये सैयद राजवंश के अंतिम शासक आलम शाह के सेनापति के रूप में था, उसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी और वह अफगान का शाहू खेल शाखा से संबंध रखता था और जितने अफगान सरदार थे उन अफगान सरदारों के प्रति उसकी बड़ी निष्ठा थी और वो अपने दरबार में यदि अफगान सरदार उसके दरबार में आ जाए तो तब तक सुल्तान अपनी सीट पर आसीन नहीं होता था या अपने सीट पर विराजमान नहीं होता था जब तक सभी अफगान सरदार अपना स्थान ग्रहण न कर लें। उसके बाद बड़ी मकसद उन्हें जो जितने अफगान सरदार थे उनकी उन्हें बहलो लोदी द्वारा मकसद ये अली के नाम से हैं मकसद ये अली के नाम से पुकार जाता था तो वह मकसद ये अली के नाम से उनको यानी जो अफगान सरदार थे उन्हें पुकारा करता था, है ना। अगले में यदि हम बहलो लोदी की बात करें तो इसके ज़माने में एक बहलोली नाम का सिक्का बहलो लोदी द्वारा एक बहलोली नाम का सिक्का जारी हुआ था और जो अकबर के शासनकाल तक भी यह बहलोली नाम का सिक्का प्रचलन में रहा था। अब बहलो लोदी के बाद सिकंदर लोदी, देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सीधा सिकंदर लोदी, ये अपने आप में प्रमुख राजाओं में शामिल है, बहुत ही योग्य शासक था किंतु हिंदू धर्म के प्रति इसका कट्टर भाव कट्टरता उसका हम चर्चा करेंगे कि पहली बात तो ये कि सिकंदर लोदी नाम का शासक हुआ उसे निजाम खां की उपाधि प्राप्त थी। निजाम खां, अब ये निजाम खां की उपाधि उसे स्वयं उसके पिता बहलो लोदी द्वारा प्रदान की गई थी। और दूसरी बात कि सिकंदर लोदी की जो माँ थी वो हिंदू स्वर्णकार जयचंद उसका नाम था। अगले में कि 1154 ईस्वी में सिकंदर शाह की सेना तथा हुसैन शाह सरकी की सेना के बीच 1194 में उत्तर पश्चिम भारत सीमा पर सिकंदर लोदी की सेना का हुसैन शाह सरकी की सेना के साथ संघर्ष हुआ था और यह संघर्ष उत्तर पश्चिम भारत जो बलूचिस्तान प्रांत सिंध प्रांत इसको कब्जे में लाने के लिए और जिसमें 1194 में इस सिकंदर लोदी ने बड़ी विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा उसने भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक भूमि पैमाना, जबकि हमने पढ़ा था कि इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश करने के लिए भी विश्व माप किया था और ये जो बाद में सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश करने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया और यह गजे सिकंदरी अकबर के शासनकाल तक भी, जब तक अकबर ने नया पैमाना नहीं बनाया था तब तक गजे सिकंदरी चलता रहा। उसके बाद
कि सिकंदर लोदी ने कि जो आयुर्वेद आयुर्वेद ग्रंथ था, भारतीय आयुर्वेद ग्रंथ, चाहे वो आयुर्वेद सर्वस्व था, चाहे वो चरक संहिता या धन्वंतरी का रस चिकित्सा, उसने फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। यानी कुल मिलाकर के जो हिंदू परंपरा में आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथ थे, उन आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों का उसने फारसी में अनुवाद के रूप में फरहंगे सिकंदरी। प्रश्न आता है कि फरहंगे सिकंदरी किसके समय, किसने उसका प्रारंभ किया? तो फरहंगे सिकंदरी सीधा सिकंदर लोदी के जमाने में आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद था। उसके अलावा कि इसका महत्वपूर्ण घटना में 1504 में इस सुल्तान द्वारा यमुना के तट पर आगरा यानी आगरा शहर को बसाने वाला यही सिकंदर लोदी है, कि सिकंदर लोदी ही जिस सुल्तान द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, और यहीं पर 1504 में दिल्ली सल्तनत की इसने राजधानी भी रखी, कि जो दिल्ली सल्तनत था उसके राजधानी के रूप में आगरा इसी ने घोषित किया। भले बाद में आगरा की जहांगीर के ज़माने में, शाहजहां के ज़माने में, औरंगजेब के ज़माने में राजधानी रही, लेकिन ये आगरा पहली बार राजधानी बनाने का श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है, जबकि ये आगरा पूर्व में राजपूत राजाओं के अधीन हुआ करता था। उसके अलावा सिकंदर लोदी एक बहुत ही धार्मिक असहिष्णु, मैंने बात कही, उसने पहली बात तो ये कर दिया कि मुहर्रम पर ताजिए निकालने की पाबंदी लगा दी, पहली बात तो ये कर दिया। दूसरे में मुसलमान स्त्रियों को पीर और संतों के मजार पर जाने से रोक लगा दी, और ब्राह्मणों पर कठोर रूप से जजिया कर, पहले जिसने मुहर्रम पर ताजिया निकालना पाबंद कर दिया, दूसरे में जो मोमडन स्त्रियां थी, मुस्लिम स्त्रियां थी, उन्हें पीर और मजार में जाना और संतों के मजार पर जाने के लिए सख्त मना कर दिया, और तीसरे में ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर आरोपित कर दिया। लेकिन इससे और कुछ खासियत भी था कि स्वयं एक कविताएं लिखता था। ये प्रश्न आता कि गुल रुखी के नाम से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कविताएं लिखता था? तो गुल रुखी के नाम से यही सिकंदर लोदी जो कविताएं लिखता था। इसके अलावा अब इसने मुस्लिम शिक्षा के लिए तुलुम्बा के शेख अब्दुल्ला को आगरा में बुलाया था, ताकि मुस्लिमों के मदरसों और मकतबों का विधिवत संचालन हो सके। इन दो धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। उसके अलावा सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत कला का श्रेष्ठ पुस्तक लज्जत ए सिकंदर शाही, तो अभी तक पुस्तक क्या हुआ, एक फरंगे सिकंदरी आयुर्वेद का ग्रंथ जिसे फारसी में अनुवाद किया गया, और एक लज्जत ए सिकंदर शाही यानी संगीत का, तमाम संगीत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था, उसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही, और गुलरुखी के नाम से स्वयं कविताएं लिखता था। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना की, उस आगरा को इसने राजधानी के रूप में विकसित किया। उसके अलावा प्रसिद्ध संत कबीरदास सिकंदर लोदी का समकालिक था, कि जो एक प्रश्न आता है कि कबीर तुलसी और सूरदास के बारे में कि कबीरदास किसके समकालिक हुए, सिकंदर लोदी के समकालिक, तुलसीदास किसके समकालिक हुए, अकबर के समकालिक, और सूरदास किसके समकालिक हुए, जहांगीर के समकालिक। ये सवाल आते हैं, है ना, ये सवाल बार बार आते हैं। और 1517 ईस्वी में इस सुल्तान का कि गले की बीमारी पड़ जाने के कारण इस सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, किसके, सिकंदर लोदी। लेकिन सिकंदर लोदी का कुछ बहुत अच्छे कार्य रहे, लेकिन उसके बाद भी इसने अपने शासनकाल में धार्मिक असहिष्णुता, इतना भी एक उल्लेख मिलता है कि ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़ करके इसने वहाँ लोकल कसाईयों में कि वहाँ स्थानीय कसाईयों में इसने बांट डाला था। इतनी धार्मिक असहिष्णुता, सबसे अधिक धार्मिक असहिष्णुता इस दिल्ली सल्तनत में रही, भले बलबन में कम नहीं थी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और सबसे ज़्यादा सिकंदर लोदी में, है ना। लेकिन सिकंदर लोदी की बढ़िया काम में कि एक तो उसने गजे सिकंदरी पैमाइश का, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था,
फरंगे सिकंदरी इसकी आयुर्वेद का फारसी में ग्रंथ है, और लज्जत सिकंदर ताई इसका संगीतमय ग्रंथ है। ये इसकी उपलब्धियां रही, और इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार भी हुआ और आगरा पहली बार इसके समय में राजधानी बनी। ओके, अब हम इब्राहिम लोदी पर प्रवेश कर रहे हैं कि इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान है, कि दिल्ली सल्तनत जब हमने प्रारंभ किया था तो वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ये सवाल आते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, भले कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि के रूप में नहीं रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिपाहलसार के रूप में काम किया, और खिजर खां यानी सैयद वंश का संस्थापक उसने रयत ए आला के रूप में, बस दो ही शासक ऐसे हैं। बाकी जितने शासक बने, चाहे वो इल्तुतमिश हुआ, चाहे रजिया, नासुद्दीन महमूद हुआ, चाहे बलबन, जलाउद्दीन खिलजी हुआ, चाहे अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद ये नासुद्दीन महमूद, खिजर खां या मुबारक शाह, आलम शाह, बहलो लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, तो उनमें खिजर खां जिसने रयत ए आला की उपाधि धारण की थी, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने सिपहलसार के रूप में ही शासन का दायित्व निभाया। अब सीधे अंतिम पड़ाव पर हम लोग कि इब्राहिम लोदी का जो विशेष उल्लेख मिलता है कि 1517 ईस्वी में ही यह इब्राहिम लोदी जब खानवा का युद्ध हुआ था, जो युद्ध हुआ वो राणा सांगा के साथ में हुआ था, और राणा सांगा के साथ युद्ध जब इसका 1517 ईस्वी में हुआ था, तो इस युद्ध में बताते हैं कि राणा सांगा विजय होने पर भी राणा सांगा के पैर में चोट लग गया था, लेकिन खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। तो खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया, लेकिन राणा सांगा के पैर पर चोट लग जाने के कारण इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना रहा। इसके अलावा कि इब्राहिम लोदी का एक विशेष उल्लेख मिलता है कि इब्राहिम लोदी ने आगरा में अपना राज्य अभिषेक किया था, और उसके अलावा इस इब्राहिम लोदी द्वारा अपने शासनकाल में 1517 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को जो सिकंदर लोदी या अन्य सुल्तानों ने सुरक्षित किया था उसे कायम रखा। लेकिन पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, इसकी विचित्र घटना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी का, द्वितीय युद्ध 1556 का, और तृतीय युद्ध 1761 का हुआ है। तीन पानीपत के युद्ध हुए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। अब बाबर, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि मुगल शासनकाल में पहला मुगल बादशाह बाबर। तो बाबर जो अभी तक भारत से बाहर ये काबुल इत्यादि में अपना शासन कर रहा था, उसने 1519 से लेकर के 1524 के बीच 4-5 छोटे युद्धों में विजय हासिल कर ली थी। लेकिन इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और पंजाब का सूबेदार दौलत खां, ध्यान दीजिएगा कि आलम खां स्वयं इब्राहिम लोदी का चाचा था और दौलत खां था पंजाब का सूबेदार। तो दौलत खां और आलम खां की प्रेरणा पर बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, देखिएगा कि इब्राहिम लोदी के खासम खास यानी चाचा आलम खां और पंजाब का सूबेदार दौलत खां, जिनके कहने पर बाबर ने इब्राहिम लोदी पर पानीपत का प्रथम युद्ध किया, यानी पानीपत के मैदान में बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना, बाबर की बहुत छोटी सेना थी, लेकिन बाबर की सेना में तुगलनुमा पद्धति है ना, जो उज्बेकों द्वारा सिखाई गई थी तुगलनुमा पद्धति, या इसको कह सकते हैं हम लोग कि ऐसी पद्धति कि दो बैलगाड़ियों के बीच में जो तोप रखी जाती थी, और उस तोप के सारे अगली सेना चंद क्षणों में ध्वस्त हो जाती थी। तो पानीपत के मैदान में इसी तुगलनुमा पद्धति या तोप खाने के बल पर
तोप खाने के बल पर, यानी मुस्तफा खां जैसे प्रसिद्ध तोपची बाबर की सेना में था, तो तोप खाने के बल पर सीधे बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को बुरी तरह परास्त किया गया, यानी इब्राहिम लोदी की यानी दिल्ली सल्तनत की सेना को बाबर की सेना द्वारा विध्वंस किया गया, बुरी तरह पराजित किया गया। और इस दिल्ली सल्तनत में ये पूरी सल्तनत की व्यवस्था इब्राहिम लोदी तो समाप्त हो ही गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत सदैव के लिए अस्त हो गया। और 1526 में ही इस दिल्ली सल्तनत में मुगल शासनकाल प्रारंभ हो जाता है, मुगल शासनकाल की नींव पड़ गई। अब सवाल इस बात का कि जैसे दिल्ली सल्तनत, एक तरह तो हम ये जानेंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद मुगल शासनकाल का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि हम लोगों का अध्ययन का पड़ाव रहेगा कि इस पूरे दिल्ली सल्तनत का जितनी प्रशासनिक व्यवस्था रही, कि दिल्ली सल्तनत में तमाम, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने से लेकर के और ठीक इब्राहिम लोदी के ज़माने तक का, ये पूरे शासनकाल में यानी 5 के 5 राजवंशों में, पहले तो बिजारत पर हम चर्चा करेंगे, उसके केंद्रीय शासन पर और प्रांतीय शासन पर और बिजारत पर, कि बिजारत का मतलब कि जो राजाओं का, सुल्तानों का जो मंत्रिमंडल होता था बिजारत, उस बिजारत में तमाम दीवान रसालत, दीवान इंसा, है ना, ये तमाम प्रकार के पद हुआ करते थे, विभागों के मंत्रीगण या पदाधिकारी हुआ करते थे, उनका हम अध्ययन करेंगे कौन किस विभाग को संभालता था। दूसरे में हम लोग उनके सैन्य प्रबंध को, कि एकता भू राजस्व प्रणाली पर आधारित था कुछ दिनों, उसके बाद उस सीधे सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा, बाद में सैनिकों को जागीर देने का प्रदान देने की परंपरा थी, तो सैन्य प्रणाली पर हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा कि दिल्ली सल्तनत का हम लोग स्थापत्य कला पर, कि दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य, चाहे वो मोट की मस्जिद बनी, चाहे वो जामा मस्जिद बनी, चाहे जिसपे सुल्तान के समय में जो जो महत्वपूर्ण इमारतें, है ना, हौज खास बना, शमसी तालाब बना, ये जितने बने उसके बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के समय में जितनी साहित्यिक रचनाएं हुई, चाहे वो तारीख़ फिरोजशाही हुई, चाहे वो तारीख़ मुबारकशाही हुई, ठीक है, चाहे वो बरनी के द्वारा लिखी गई, चाहे अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई, चाहे या अहमद सर हिंदी के द्वारा लिखी गई, जितने भी साहित्य लिखे गए उन सब का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। हमारा ये अगला टॉपिक होगा कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक व्यवस्था पर, यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का शासन प्रबंध दिल्ली से। अब उसमें थोड़ा सा एक चीज़ हम जान लें आज हल्का सा, कि जो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, उसमें जो सबसे पहले जो प्रमुख अधिकारी के रूप में वजीर, बिजारत में जो पहला मुख्य पद था वजीर का, और वजीर का मतलब था कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, यानी पूरी जो बिजारत को, बिजारत का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी था सुल्तान के बाद, वो वजीर हुआ करता था, और उस सुल्तान की अनुपस्थिति में विभिन्न सुल्तान के दायित्वों का निर्वहन भी करने में सक्षम था, या उसे वो ऑथराइज्ड था। इसके अलावा आरिजे मुमलिक, एक पद था आरिजे मुमलिक, आरिजे मुमलिक। अब ये आरिजे मुमलिक का मतलब कि जो सैन्य प्रबंध को देखता था, सैन्य व्यवस्था का संचालन करता था, उसे आरिजे मुमलिक के नाम से जान जाता था। उसके अलावा बच्चों इंसाए मुमलिक, इंसाए मुमलिक का मतलब था पत्राचार, इंसा ए मुमलिक, यानी पत्राचार विभाग का प्रमुख इंसाए मुमलिक। उसके बाद वकील दर, वकील दर का मतलब होता था वकील ये दर, वकील दर का मतलब जो शाही परिवार था, शाही महल था, उसके रखरखाव की जिम्मेदारी निभाता था। उसके अलावा अमीर बहर, यानी अमीर बहर यानी जल मार्गों के देखरेख करने वाला, जो जल मार्ग जहाँ से व्यापार होता था, वो अमीर बहर के रूप में। उसके अलावा अमीर शिकार, यानी शाही शिकार का, शाही आखेट करना, शाही परिवार के लिए आखेट की व्यवस्था करना। उसके अलावा बरीद मुमलिक, एक विशेष पद बनाया गया था बरीद मुमलिक, ये गुप्तचर व्यवस्था के लिए, बरीद मुमलिक, बरीद ये मुमलिक, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुप्तचर व्यवस्था के लिए। काजी न्याय विभाग का प्रधान, जो काजी हुआ करता था न्यायाधीश, न्याय विभाग के प्रधान के रूप में काजी काम किया करता था। उसके अलावा मुहतसिब, मुहतसिब का मतलब था कि जो प्रजा है मुहतसिब, उस प्रजा का आचार विचार, उस प्रजा का जो आचरण है, उसकी नैतिकता है, उसकी भलीभांति जांच करने वाला विभाग। तो हम एक बार थोड़ा ध्यान दें
कि कुतुबद्दीन ऐबक न केवल अपने समय में अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था वो कुतुब बख्तियार कारकी की स्मृति में किया था। उस कुतुब मीनार सामने कुतुल उल इस्लाम मस्जिद नमाज अदा करने के लिए, उसके अलावा हमने उसका चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके मर गया था। उसके बाद इल्तुतमिश जिसके ज़माने में तुर्कान चहलगाम टंका और जीतल राजमुद्राएँ है ना, और एकता भू राजस्व प्रणाली, एकता आप समझ चुके होंगे, अभी हम इसके और चर्चा करेंगे आने वाले कक्षा में। उसके अलावा कि रजिया का समय पड़ा हमने, रजिया के बाद उसके तीन रजिया के बाद तीन बार है ना रजिया के बाद तीन आलम शाह बहराम शाह और नासुद्दीन महमूद। उसके बाद बलबन का लोहे एवं रक्त नीति और दैवीय राजस्व सिद्धांत पर हमने अध्ययन किया कि दैवीय राजस्व सिद्धांत कि सुल्तान पैगंबर के बाद खलीफा और पैगंबर के बाद खलीफा, खलीफा के बाद सुल्तान इस धरती पर राजस्व वसूल करने का पूर्ण अधिकार रखता है। और लोहे एवं रक्त नीति कि अपने विरोधियों का दमन करने वाली नीति बलबन का हमने पढ़ा। उसके बाद मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर हमने अध्ययन किया, उसका हुलिया सैनिकों की हुलिया प्रथा प्रारंभ करने का हमने अध्ययन किया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। उसके बाद हमने मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने का कि उसने जो कभी राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, कभी सिक्का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो कभी उसने उस पर करचिल और खुरासान सैन्य विद्रोह पर, कभी उसने दोआब में कर वृद्धि, तमाम निर्णय लिए और एक पढ़ा लिखा विद्वान पागल बादशाह के रूप में जान जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा फिरोज शाह तुगलक, उसके बारे में हमने आज जानकारी ली कि फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में उसने बगीचों का अद्वाबिक और सतगन नामक मुद्राओं का है ना ये तमाम उसकी उपलब्धियाँ रही फिरोज शाह तुगलक की। उसके बाद हमने खिजर खां के ज़माने में रैयत आला जो तैमूर लंग के पुत्र को नियमित रूप से राजस्व दिया करता था। उसके बाद हमने मुबारक शाह के का अध्ययन किया, मुबारक शाह की जो मुबारकबाद नामक नगर, उसके बाद आलम शाह, उसके बाद सीधे हमने पढ़ा था बहलो लोधी पर, फिर सिकंदर लोधी का विशेष कर अध्ययन किया, किसी ने आगरा 1504 में बसाया और राजधानी बनाई थी, और लास्ट में इब्राहिम लोधी यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जिसने बाबर के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति। और अगला जो हमारा मैंने वो टॉपिक बड़ा टॉपिक होगा वो मुगल शासन होगा, लेकिन इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था और विजयनगर साम्राज्य का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो आज के कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे अनुरोध है कि आप इसे अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया देंगे। धन्यवाद।